नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नरेश कश्यप के समर्थन में उतरे सोनू सूद। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ एकजुट हो रहे नियोजित शिक्षक। ज्वाइंट CSIR UGC नेट परीक्षा के आवेदन करने की तिथि बढ़ी। धोनी आज बनेंगे ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज बिहार के कई जिलों में लोगों के द्वारा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल सहित बंगाल के कुछ हिस्से हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेसिमोलॉजी के मुताबिक जमीन के 10 किलोमीटर अंदर हलचल हुई थी और इसका सेंटर बनमनखी बताया जा रहा है। बता दें कि बिहार के जिलों में सुबह 5:31 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इसकी वजह से किसी तरह की कोई हानि या नुकसान नहीं हुआ है। मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे सोनू सूद। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप के समर्थन में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आ गए हैं। बता दें कि बीते दिन सोनू सूद ने ट्वीट कर मनीष कश्यप के समर्थन में लिखा है कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के द्वारा जारी की गई याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रोकने से साफ इनकार कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट के द्वारा दोनों राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ एकजुट हो रहे नियोजित शिक्षक। राज्य के नियोजित शिक्षकों के बीच बिहार शिक्षक नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि अब इसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा विरोध भी किए जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षक संघ के पदधारकों के द्वारा महागठबंधन के घटक दलों के वादा खलीफी को इसे दस्तावेज बताया गया है। वहीं अब शिक्षक संघ के सदस्य व पदधारक खुलकर सोशल मीडिया पर आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल के द्वारा आह्वान कर सभी शिक्षक संघ से कहा गया है कि वह एकजुट रहे और आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। 13 अप्रैल को पटना में सर्वसंघीय बैठक आहूत की गई है, जिसमें आंदोलन का बिगुल बजेगा। पटना हाई कोर्ट में BSEB की अपील खारिज। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों को फिर से संबद्धता लेने के लिए निरीक्षण शुल्क जमा करने व अन्य कार्रवाई करने को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए बोर्ड की ओर से दी गई हर दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इंटरमीडिएट कॉलेजों के निरीक्षण करने की पूरी छूट दी गई है। बता दें गत वर्ष 22 जुलाई को जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालय सेवा संघ एवं अन्य की ओर से दायर रीत याचिका पर सुनवाई करते हुए BSEB की ओर से जारी सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया था, जिस पर BSEB की ओर से अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलेगी करीब 9000 मेगावाट बिजली। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार को केंद्रीय कोटे से 9000 मेगावाट बिजली मिल सकती है। दरअसल वर्तमान में NTPC की विभिन्न इकाइयों के द्वारा राज्य को 6560 मेगावाट बिजली आवंटित की जाती है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले 1 से 1.5 वर्षों में NTPC बाढ़ की 2 यूनिट, झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा की 1 यूनिट और बक्सर की 2 थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन हो सकता है। इसके साथ ही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा ब्रेडा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से भी करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है। कला संस्कृति विभाग का कैलेंडर हुआ जारी। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार के सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से कोई है तो वह है लिट्टी चोखा, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कला संस्कृति विभाग के कैलेंडर में जगह नहीं मिली है। दरअसल बीते दिन संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कैलेंडर 2023 का कला संस्कृति विभाग के मंत्री जितेंद्र राय और प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी के द्वारा लोकार्पण किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन लोकार्पण किए गए इस कैलेंडर में राज्य के सभी जिलों के धरोहर व्यंजन, पर्यटन स्थल और लोक कला को वर्णित किया गया है, लेकिन इन सब में लिट्टी चोखा को स्थान नहीं दिया गया। वहीं कैलेंडर को लेकर प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी का कहना है कि इस कैलेंडर का उद्देश्य है कि जन चेतना को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा जाए। कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 277 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल का होगा निर्माण।
कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 277 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलियों का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए योजना एवं विकास विभाग के द्वारा पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि वित्त बैंक संपोषित कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक 72% ही कार्य पूरा किया जा चुका है, जिस कारण से कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दिया गया है। अब इस योजना को जून 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोसी बेसिन विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा 67% और बिहार सरकार 33% की फंडिंग की है। बिहार में मिले 52 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते दिन 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि इन 52 मामलों में से 29 मामले अकेले बिहार की राजधानी पटना से सामने आए हैं, जिनमें 2 NMCH के चिकित्सक भी शामिल है। इसी के साथ अब पटना में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 114 पहुंच गई है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो अब राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 214 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में एक सप्ताह के दौरान 236 मामले सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 10 दिनों में आधे दर्जन से अधिक चिकित्सक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण के गिरफ्त में हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना मरीजों की संख्या 7,830 है। इसके अलावा देश में अभी 40,215 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। बिहार में आग लगी से एक हफ्ते में हुआ करोड़ों का नुकसान। बिहार में पिछले एक हफ्ते से बह रही पछुआ हवा ने आग लगी की घटनाओं में घी डालने का काम किया है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में राज्य के अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगी से हजारों एकड़ में लगी गेहूं की फसलें, कई मकान समेत अलग अलग तरीकों से करोड़ों का नुकसान हो गया है। मालूम हो कि फसल, मकान, पशुधन मिलाकर अब तक राज्य में करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। वहीं अगर इस साल आग लगी की घटनाओं के आंकड़े की बात करें तो आपदा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस साल 971 घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि कई घटनाएं ऐसी हैं जिसे दर्ज किया जाना अभी बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस साल 124 जगहों पर आग लग चुकी है। ज्वाइंट CSIR UGC नेट परीक्षा के आवेदन करने की तिथि बढ़ी। अगर आप भी ज्वाइंट CSIR UGC नेट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा ज्वाइंट CSIR UGC नेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी कि अब उम्मीदवार 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आवेदन भरने की अंतिम तारीख 10 अप्रैल शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। वहीं अब फीस जमा करने का अंतिम समय 17 अप्रैल 11:50 तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर करेक्शन विंडो की बात करें तो उसके खुलने का समय 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। हालांकि इसके परीक्षा की तारीख में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं की गई है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 6 जून से 8 जून 2023 तक किया जाएगा। पटना में जाति गणना को लेकर 45 चार्जों में बटेंगे 15 लाख फॉर्म। 15 अप्रैल से बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आज से यानी कि बुधवार से हर परिवार के सदस्यों का डिटेल भरने के लिए पटना जिले में 45 चार्जों में 15 लाख फॉर्म बांटने का कार्य शुरू किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय गणना के दूसरे चरण के काम को मोबाइल ऐप, गणना प्रपत्रों व पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाना है। वहीं गणना कर्मी सारे कामों को बेहतर ढंग से कर सके इसके लिए उन्हें सभी पहलुओं, तथ्यों व तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय गणना के दूसरे चरण एक पेज में 15 सदस्यों की जानकारी दर्ज की जाएगी और फिर उन सभी जानकारी को ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। मालूम हो कि गणना के दौरान परिवार के सदस्यों से 17 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी, जिसमें नाम, पिता पति का नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति समेत कई बिंदु शामिल होंगे। ईडी के पूछताछ पर तेजस्वी यादव का बयान। बीते दिन जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ईडी कार्यालय में ईडी के द्वारा कई घंटों तक पूछताछ की गई। वहीं ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब वर्ष 2024 तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है, अब इससे आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि यह बात सब कोई जान रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है और हर बार एक ही जवाब होता है। अब अगर कोई गड़बड़ हुई ही नहीं तो क्या सजा मिलेगी? बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है कि देश का माहौल क्या है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करने के बाद तेजस्वी यादव सीधे अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी बहन मिशा भारती से मिलने के लिए रवाना हो गए।
शिक्षकों की नियुक्ति के ऐलान पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 पर नीतीश सरकार के द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दी कि अब इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट की धनराशि में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसके बिना बीपीएससी के माध्यम से एक नए संवर्ग में स्कूली शिक्षक नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है, जो कि सभी शिक्षित युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को सबसे पहले उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए जिन्होंने सीटीईटी, एसटीईटी, टीईटी की परीक्षाएं पास कर ली है और बीते 4 सालों से नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना चाहिए और नए संवर्ग के लिए बजट प्रावधान में कम से कम 5,000 करोड़ की वृद्धि करनी चाहिए और यदि सरकार इस नियम को लागू करती है तो एक ही स्कूल में एक विषय के 2 टीचर होंगे, पहले वे जो बीपीएससी से पास कर सरकारी टीचर बने होंगे और दूसरे नियोजित शिक्षक। धोनी आज बनेंगे ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज यानी कि 12 अप्रैल को कुछ खास करने वाले हैं। दरअसल आज धोनी 200वें मैच में कप्तानी करने मैदान में उतरेंगे और इसी के साथ वे आईपीएल में अपना खास दोहरा शतक पूरा करने वाले हैं। बता दें कि आज के मैच के बाद वे पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्होंने इस लीग में 200 या इससे ज्यादा मैचों में एक टीम की कप्तानी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में वर्ष 2008 से है और इन्होंने इस टीम को सफल टीम भी बनाया है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वे पहले ही 200 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं क्योंकि चैंपियंस लीग टी20 के दौरान भी वे सीएसके के कप्तान थे, लेकिन अब वे सिर्फ आईपीएल में इस मुकाम पर पहुंचेंगे। मालूम हो कि चेन्नई एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार आईपीएल फाइनल खेली है और सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोहर, रवि कुमार राम, शंकर मुखिया, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, गायत्री कुमारी, नुन्नू गोलू कुमार, राज, मृत्युंजय कुमार, नीतीश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, काजल कुमारी, कविता कुमारी, शिवानी भारती, निशा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।